हाँ ये लुक बढ़िया लग जाए ना मेरे का काम काज करण में तेरी कमर पटा जाए हाय हाय। तो गाइस मैंने पतल आग लागो घास कांबे काटूल मैं तड़ा न देखे आयो इज काम अपन संस्कृति अपन पछाण वाल पहाड़ी छूमी भावना चुफाल मेरा नाम तो हेलो हाय नमस्कार प्रणाम पहनाल जय देव की हालचाल हैरान सब ठीक ठाक वाला। तो चलिए आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज की इस वीडियो में जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे को जो है प्रमोशन के लिए रील बनानी है, आज तीन रील बनानी है तीन गानों में। कल मैंने दो गानों में रील बना ली थी प्रमोशनल रील, और आज जो है मेरे को तीन गानों में बनानी है। तो तीनों गानों के लुक मैं आपको दिखाऊंगी। ये मैं अभी जो है बाल देखो बॉय लुक में बनानी है मेरे को, दो रील बॉय लुक में बनानी है एक रील गर्ल लुक में बनानी है। तो बॉय लुक में पहले रील मैं जो है आर्मी वाले गाने में बना रही हूँ, इंद्रदा का नया गाना आया एक तो उसमें बनानी है मेरे को आर्मी लुक में। उसमें गर्ल वाली लिरिक्स भी थी बट मैंने सोचा बॉय लिरिक्स में मैं बनाती हूँ, तो फिर मेरे पास आर्मी के ड्रेस में यही था ये जो है भाई की टी शर्ट है और ये भिंजियों ने दिया था मेरे कैप। तो मैंने सोचा आप सभी को ये बता दूँ, सबसे ईजी होता है बॉय लुक में वीडियो बनाना, मेकअप करने की भी ज़रूरत नहीं होती, उसमें लाइनर वाइनर लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती, खाली टोपी वोपी बाल वाल सेट करने पड़ते हैं। तो चलिए वीडियो बनाते हैं आज की। गाइस मैं इसी फ़ोन से भी व्लॉग बनाती हूँ, इसी से रील बनाती हूँ, तो मैं दिखा नहीं पाऊँगी आपको बिहाइंड द सीन रील मैं कैसे बनाती हूँ, बट रील कौन से बनाऊँगी वो मैं ज़रूर लगा दूँगी यहाँ पे। तो मैं पहले अभी वीडियो बनाती हूँ इस लुक में, उसके बाद दूसरा लुक ट्राई करूँगी, दूसरे लुक में दूसरी वीडियो, तीसरे लुक में तीसरी वीडियो। तो ऐसे मेरे को ड्रेस चेंज करते रहने पड़ती है अलग अलग रील्स के लिए, तो बिहाइंड द सीन तो मैं दिखा नहीं पाऊँगी क्योंकि मेरे पास एक ही फ़ोन है और भाई भी जो है हल्द्वानी गया हुआ है काम से। तो मैं इसी फ़ोन से जो है पहले रील बनाती हूँ उसके बाद व्लॉग भी बनाती हूँ ऐसे ही। ये है मेरी रिंग लाइट जो कि मेरे को मैंने जो है टिकटॉक के टाइम पे मिली थी मेरे को ये, मैंने एक गाना जो है प्रमोट करा था, कौन सा गाना था वो, क्यूड़ी कहें लिया छली रुमाली गांठ मा, तो उस गाने को प्रमोट करने के लिए मेरे को ये रील ये मिला था, क्या बोलते हैं रिंग लाइट मिली थी और ये स्टैंड। तो मैं रील जो है यहाँ पे बनाऊंगी क्योंकि बैक कैमरा अच्छा है और फ्रंट कैमरे के लिए, फ्रंट कैमरा भी अच्छा है बट बैक कैमरे में ज़्यादा अच्छी बनती है रिंग लाइट के सामने, तो यहाँ पे मैं लगा के एडजस्ट करके जो है वीडियो बनाऊंगी अपनी। यहाँ पे रखूंगी मैं फ़ोन अपना, ये जो क्या बोलते हैं क्या है ये फाउंडेशन, ये दीदी का फाउंडेशन है, यहाँ पर रखूँगी कैमरा ये फ़ोन अपना यहाँ पर रखूँगी, रिंग लाइट इस साइड को रखूँगी, फिर इस मिरर में जो है वीडियो बनाऊँगी। मैं जो है अपना स्टैंड कोमल के घर गई थी मैं, जब आपने व्लॉग देखा होगा ये वाला, तो मैं यहाँ पर अपना स्टैंड भूल गई हूँ। अब कोमल मेरे को शायद कल मिलेगी परसों मिलेगी, तो मैं उस वो स्टैंड लेके आएगी मेरा, तो मेरे को इसलिए यहाँ पर जो है जुगाड़ करना पड़ रहा है इसलिए। तो गाइस मैंने वीडियो बना दी मैंने इस लुक में, अब जो है मेरे को दूसरे लुक में बनानी है वीडियो, तो उसको भी बॉय लुक में बनानी है, तो अब मैं बॉय लुक बनाती हूँ। तेरी जय जयकार ओ सिपाही आरा बॉर्डर महल ठाड़ा बर्फीली हवा जाड़ा। तो बाल कैसे कर रखे मैंने, तो मैंने जो है अब चेंज कर लिया ड्रेस दूसरी रील के लिए, ये मैंने पहनना है पंकजी शर्ट, बॉय लुक में मैं सारे कपड़े पंकजी के पहनती हूँ, बाकी ये पापा लेके आए थे मेरे, तो ये काम चल रहा है इससे, अब मैं इसमें पहनूंगी पहाड़ी टोपी पहनूंगी इसमें मैं। तो दगड़ियों मैंने जो है दूसरा लुक ले लिया है दूसरी रील के लिए, हाँ ये लुक बढ़िया लग रहा है ना, मस्त लग रहा है ये लुक। मेरे बाल आजकल पतले हो गए हैं, पहले के टाइम पर जब मैं टिकटॉक पे वीडियोज बनाती थी तब मेरे बाल थोड़े हैवी थे तो मस्त बॉय लुक बनता था, आजकल बहुत पतले हो गए हैं, बस काम चलाओ बन रहा है आजकल, मतलब अच्छे से सेट नहीं हुआ अभी कैमरे में देख के, अभी सेट करूँगी अच्छे से। तो गाइज पहाड़ी में कपड़ों को क्या बोलते हैं नहीं पता, कब सीखेंगे आप लोग, पहाड़ी पहाड़ी में कपड़ों को बोलते हैं थिकाल दंगाल कपाड़,
बाकी और कुमाऊनी वर्ड सीखने के लिए कॉन्टेक्ट करें भावना जफाल को। तो अब मैं जो है इसमें वीडियोज बनाती हूँ, इस लुक में भी, इस लुक में कौन से गाने में बनाने थे मेरे को, नया गाना आया कोई नए गाने में, आज आप लोग मेरा ही गाना सुनिए, पंकज नहीं है आज तो मैं आपको गाना सुनाऊंगी, ठीक लास्ट में सुनाऊंगी, लास्ट में सुनना। यार बाल कैसे हो रहे हैं, सही करते मैं बालों को फिर वीडियो बनाती हूँ। यह गाना कौन सा था, पर कौन से भी गाने बनाने थे वीडियो, नेल पेंट दिख जाता है यार बॉय लुक में, प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैं हाथों का उतना एक्शन करती नहीं हूँ, ऐसे करके दिखा देती हूँ हाथ। यार भयंकर पूरा लड़का लग रही है यार, ऊपर से मेरे को पोज भी आते हैं लड़का, मतलब बॉय लुक लेती तो बिल्कुल लड़कों की तरह हो जाते हैं मेरे एक्सप्रेशन, और गर्ल लुक लेती हूँ तो पूरे गर्ल लुक में तो गर्ली हो तो एक्सप्रेशन तो आएंगे, पर बॉय लुक में पूरे एक्सप्रेशन आ जाते हैं। तो गाइज मैंने इस लुक में भी जो है वीडियो बना लिया, और गाना जो था बहुत ही मस्त था, इंदर आर्या जी का था ये गाना भी, गाना कुछ इस प्रकार था, बात सुनो पंडित जी अब के चक्कर चलाओ, परगो की पधन कचली का चिन्ह मांग लियाओ, हाय है गई अब जान मिले मेरी बरियात कराओ, परगो की पधन कचली का चिन्ह मांग लियाओ, गाना याद हो गया। तो अब मैं सोच रही हूँ इस लुक में एक और रील बना लेती हूँ जो मैं नॉर्मली डालने के लिए, क्योंकि प्रमोशनल रील जो थी वो मैंने बना ली है इस लुक में, तो बाकी एक दो रील वैसे भी एक्स्ट्रा में बना देती हूँ कभी कुछ, जैसे मैं कभी इधर उधर जाती हूँ रील बनाती नहीं हूँ, जैसे मैं एक हफ्ते की रील एक दिन में ही बना देती हूँ, एक दो हफ्ते की रील, तो वो सालों साल चलती रहती है, मेरे ड्राफ्ट में इतनी रील पड़ी होंगी अभी कि मेरे को बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। काफ़ी लोगों को लगता होगा कि मैं रोज़ वीडियोज़ बनाती हूँ, पर ऐसा नहीं है, मैं एक हफ्ते में एक बार वीडियो बनाती हूँ और वो मेरे एक हफ्ते से ज़्यादा चल जाता है, कोटा पूरा कर देती हूँ, तो और दिन में ऐसे पड़ी रहती हूँ आराम से, ड्राफ्ट में से जो है वीडियो डालती हूँ शेयर करती हूँ। अभी तो मेरे गांव की वीडियोस भी ऐसे पेंडिंग पड़ी हुई हैं, तो मतलब बहुत सारी वीडियोस हैं अभी, बहुत सारी मेरे पास, इतनी सारी हैं कि अभी मैं एक महीना भी अगर मैं वीडियो ना बनाऊँ तो मैं एक महीना वो ड्राफ्ट वाली वीडियोस डाल के मेरा काम चल जाएगा, इतनी वीडियोस हैं अभी मेरे पास। तो अब जो है मैं कहाँ मस्त नहीं लग रही, हाय गर्ल्स, लड़कियों का दिल तोड़ देती हूँ मैं ऐसे में बड़ा सख्त लौट रहा हूँ, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। तो दगड़ियों, टोपी को पहाड़ी में क्या बोलते हैं, कब सीखेंगे आप लोग पहाड़ी, टोपी को पहाड़ी में बोलते हैं टोपी। देखिए आपको ऐसे करना है, लिप्स जो है ढीले छोड़ देने हैं, टोपी टोपी। और भी कुमाऊनी वर्ड सिखाऊंगी आपको, बने रहिए मेरी वीडियोस के साथ, धन्यवाद। मेरा ये तीसरा लुक है, और गर्ल लुक में मैं बोल रही थी कि गर्ल लुक में आऊँगी, बट गाना मैंने सुना तो उसमें बॉय मतलब लड़के ने भी गाया है, तो मैंने सोचा कि दोनों को मिक्सअप कर दूंगी, गर्ल और बॉय को है, तो मैं इस लुक में आ गई हूँ, अब बूबू लुक में आ गई हूँ मतलब। तो गाना भी मैं क्या बोलते हैं, अभी मैंने ना मूछें बनाई थी पेपर से, पेपर लगाए ब्लोपर हो गया है देखो, तो मुझे लगा ये ब्लॉपर हो गया, मुझे जो है मेरी लिपसिंग करते करते नीचे गिर गई, तो मैंने फिर लाइनर से ऐसे करके लगा दिया मुझे है। तो अभी इस लुक में जो है मैं वीडियो बनाती हूँ, अब फिर उसके बाद जो है मैं गर्ल लुक में गर्ल लुक करूँगी, क्योंकि फिर पहले भी मैं गर्ल लुक कर लेती तो लाइनर वगैरह लगाना पड़ता, फिर मुंह धोना पड़ता दोबारा, फिर दोबारा से, तो इसलिए मैंने सोचा पहले बॉय लुक का सारा निपटा देती हूँ, उसके बाद जो है गर्ल लुक में बनाऊँगी। और अभी वीडियोज़ ही बना रही थी मैं, तभी वीडियोस बनाते बनाते ही एक और मैसेज आ गया, मतलब वीडियोस बना ही रही थी रील्स प्रमोशन वाली, तो एक और मैसेज आ गया कि एक और गाने में बनानी है आपको रील करके, तो मैंने सोचा ठीक ही हो रहा है, ठीक ही हो रहा है, तैयार तो हो ही रही हूँ, तो कोई नहीं बना देती हूँ लगे हाथ वो रील भी। तो टोटल 5 रील जो है मैंने बना ली हैं प्रमोशन की, 5 रील बनानी है मेरे को प्रमोशन की। जो है बहुत पुराना छाता है, मतलब
बहुत ही पुराना छाता जब मैं बहुत छोटी थी, शायद उससे भी पहले का छाता है ये। और मैं इसकी स्टोरी बताती हूँ आपको। नहीं, एक और छाता था हमारे पास, तो पंखा जो मतलब बारिश हो रखी थी तो छत में ना पानी भर जाता था उस टाइम पे हम रहते थे जहाँ, तो ये देखो टूट रखा है। इसकी भी स्टोरी बताऊँगी मैं आपको। तो ऐसे छाता हमारे पास एक और था, तो पंखा बारिश हो रही थी, छत में पानी भर रखा था बहुत ज़्यादा, और ना वो छत का पानी आने ना जहाँ से जाता था वहाँ पे ना कपड़ा लगा दिया कि वहाँ से पानी ना जाए, और पूरी ताल भर गई थी छत में। तो उसके बाद हमने ना छाते को लेकर ना झाड़ू लगाया, मतलब छाते से ही ऐसे करके पानी निकालते थे हम। बाद में जब छाता खोला तो चारों तरफ से घिस के फट रखा था पूरा छाता। उस टाइम पर हमें बहुत डांट पड़ी थी, और ये छाता देखो ये जैसे टूटा है नीचे से। और टिकटॉक के टाइम पर मैं वीडियो बना रही थी, तो उस टाइम पे मैंने छाता कुछ खोला, पता नहीं क्या करा, एकदम से टूट गया यहाँ से पूरा छाता। तो ये छाता जो है टूटा हुआ है, तो बस ये मेरे ऐसे यूज़ आता है, मतलब ये पूरा निकल गया था उस टाइम पे। और वो वीडियो पे भी रिकॉर्ड हो गया, मम्मी ने देख ली थी वो वीडियो कि छाता तोड़ दिया इसने करके। बेची मैं गुरु लाई हूँ, गुरु बेची बकर मैं आई हूँ, भूख लगे छी बकर कर छी ले ले ले, घर का काम काज करण मैं तेरी कमर पटा जाए हाय हाय हाय। तो इसमें लड़की जो है वो बोल रही है कि मेरे घर का काम, मतलब लड़की जो है वो बोल रही है कि घर के काम काज करने में मेरी कमर में दर्द हो रही है और तुम जो है कुछ नहीं करते हो। तो लड़का बोलता है कि गोरू भैंस बेच के मैं गाय लाया, गाय बेच के बकरी में आया, फिर भी तू बोलती है कि घर का काम काज करने में मेरी कमर में पीड़ हो रही है। तो इसी टाइप का कुछ गाना है ये, तो इसमें मेरे को जो है रील बनानी है। गाइज इस लुक में मैंने जो है वीडियो बना दी है, दो तीन गानों में बना दिए एक्स्ट्रा भी, ताकि मैं अपनी रील्स में नॉर्मली डाल सकूं। और पंखे की आवाज़ आ रही होगी शायद, पंखे की आवाज़ आ रही है, इसे बंद करती हूँ। हाँ अब नहीं आ रही होगी शायद। रोने गर्ल लुक के लिए उसमें भी मैं एक्स्ट्रा वीडियो बना दूंगी, ताकि एक दो महीने एक दो हफ्ते का कोटा जो है ख़त्म हो जाए। जल्दी से बना दूँ क्योंकि टाइम हो गया, 8 बजने वाले हैं और खाना बनाना है। तो आप लोग मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको मेरा कौन सा वाला लुक जो है सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा। बाकी जो जो मैं रील बना रही हूँ वो लोग आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में जाके देख सकते हैं, यह है मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट। चलिए जल्दी से अब दूसरा लुक लेती हूँ। गर्ल लुक में थोड़ा टाइम लगेगा तैयार होने में, साड़ी वाड़ी पहनने में। ये लुक में तो ऐसे आ जाती हूँ। तो सबसे पहले मेरे को मूछें हटाने पड़ेंगे अपनी। छमदा थुली बजली हाथ में बजानी धुरा, मैं बजा काटूं ला नचिया। तो गाइज ये जो है मेरा गर्ल लुक का मेकअप का सामान है। ये है मस्कारा, ये है लिपस्टिक, ये है बेस, ये है आईब्रो को काला करना, डार्क करना ज़्यादा, मेरे आईब्रो हल्के हैं ना तो उसके लिए यूज़ आता है, और ये है लाइनर। तो जो मैं एल्बम सॉन्ग्स वगैरह करती हूँ उसमें भी यही सब चीज़ें, बस इतनी चीज़ें यूज़ करती हूँ, ज़्यादा कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ। आप जितने भी मेरे एल्बम सॉन्ग्स वगैरह आए हैं उन सब में मैंने बस सिर्फ इतना ही यूज़ करा है। ये 1 2 3 4 5 चीज़ें बस, यही जो है मैं यूज़ करती हूँ एज अ मेकअप। रिंग लाइट के सामने वीडियो बना के आँखें देखो कैसे हो जाती हैं। तो नॉर्मली मैंने गर्मी लग रखी है, पंखा बंद कर रखा है अभी, क्योंकि आवाज़ जो है कर 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 होती है। तो गर्ल लुक में मैं जो है अब वीडियो बनाती हूँ, लास्ट वीडियो है ये, मतलब लास्ट वो है, इसके बाद टाइम हो गया खाना भी बनाना है मेरे को, क्योंकि मम्मी भी नहीं है यहाँ। तो तगड़ियों अब जो है मैं गर्ल लुक में वीडियो बनाती हूँ, आप लोग बताना हाँ कौन सा वाला लुक आपको अच्छा लगा मेरा। बाकी इतनी मेहनत करनी पड़ती है वीडियो बनाने के लिए मेरे को, मतलब इतनी मेहनत भी नहीं है, बट जब एक साथ सारा काम आ जाता है ना तो एक दिन में सारा, मतलब जैसे एक दिन में मेरे को 5-6 वीडियो उसके लिए आ जाते हैं, प्रमोशन के लिए बनाने के लिए आ जाते हैं, तो मेरे को बनानी ही पड़ती है वो। तो मतलब इसीलिए एक दिन में मैं इतना तैयार हो रही हूँ। वैसे मैं नॉर्मली इतना तैयार नहीं होती हूँ, नॉर्मली एक दिन में गर्ल लुक में बना लेती हूँ वीडियो, या फिर दूसरे दिन बॉय लुक में बना लेती हूँ, तो वही वीडियो जो है मेरी चलती रहती है। तो चलिए पहले अब मैं इस लुक में वीडियोज़ बनाती हूँ, उसके बाद जो है व्लॉग को एंड करेंगे। तो दगड़ियों मैंने जो है गर्ल लुक में भी रील बना दी है। स्वेटर मैंने चेंज कर दी थी क्योंकि वो थोड़ा डीप जा रहा था, तो
तो ये जो है ऊपर तक था, तो इसलिए कपड़ों का भी जो है मेरे को ध्यान देना पड़ता है जब भी मैं रील्स बनाती हूँ, तो कपड़ों का मैं बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखती हूँ, तो इसलिए मैंने स्वेटर चेंज कर ली थी। तो अब जो है सारी रील्स मैंने बना दी हैं, तो आप लोग अब जाके मेरी रील्स देख सकते हैं इंस्टाग्राम पे। और क्या बोलते हैं, मेरा नया गाना आया है जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा, हे गंगा करके। तो जिसने नहीं देखा है वो लोग जाके देख सकते हैं, यंग उत्तराखंड ग्रुप चैनल से आया है हे गंगा, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। और जिनने देख लिया है तो वो लोग मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप सभी को मेरा गाना कैसा लगा है नया। और इस गाने में जो है पलायन को दर्शाया गया है, जैसे कि पहाड़ों में आप सभी लोगों को पता है कि पहाड़ छोड़ के आज के टाइम पर कौन जाना चाहता है, इतनी शुद्ध हवा, गर्मी हो रखी है दिल्ली में तो इतनी, तो वही चीज़ें जो है उस गाने में दर्शाई गई हैं कि गाँव में जो है उतना मतलब महंगाई भी हो गई है इतनी ज़्यादा, और गांव में जो रोज़गार करते हैं मतलब काम करते हैं उसकी दिहाड़ी बहुत ही कम है, 400 रुपये। तो उस हिसाब से यही सब चीज़ें जो है उसमें दिखाई गई हैं गाने में कि कैसे कुछ ना कुछ मतलब इंसान को वहाँ गांव से निकलना ही पड़ता है घर का खर्चा निकालने के लिए, तो घर के जिस किसी एक आदमी को जो है बाहर शहर में आना ही पड़ता है दिल पर पत्थर रख के, मतलब कोई नहीं आना चाहता, मतलब किसी रीज़न की वजह से ही लोग अपना पहाड़ छोड़ के बाहर जो है कमाने के लिए आते हैं। तो इस गाने में वही सब चीज़ें दिखाई गई हैं, आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा। बाकी आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आप लोगों को मेरा कौन सा वाला लुक अच्छा लगा आप लोग कमेंट्स में मेरे को बता सकते हैं। तो दगड़ियों आप जो है जानूँ बंद करते हैं आज की ये वीडियो। हाँ मैं बोल रही थी पंकज ने आज तो आप सभी लोगों ने गाना मिस करा होगा, पंकज जो है बहुत ही मतलब अभी आ जाएगा कुछ दिनों में, तो मतलब काफ़ी लोगों ने कमेंट करा कि बहुत अच्छा गाते हैं, तो इसीलिए तो आप लोग मेरा गाना सुनिएगा आज। आज पंकज ने गाया, आज मैं गाऊंगी, एक छोटा सा गाना नहीं है ऐसे। गल पतल आग लागो घास कांबे काटू ल, मैं तड़ा न देखे आयो इज कांबे देखू ल, सैनीला बिलाज छटके नहीं बटाना, मेरे दिल में रह गए भाऊ तेरी रटाना। हाय, तो चलिए आज ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग नए हैं चैनल पे, जो लोग नए मतलब देख रहे हैं अभी ये वीडियो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल। और मेरी वीडियो जो है कभी भी आ जाती है तो आप लोग जो है बेल आइकन मतलब ये क्या बोलते हैं इसमें क्लिक कर दीजिएगा, तो आप लोगों को मतलब पता चल जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगी कि मैंने वीडियो डाल दिया करके। थैंक यू।